हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली वी आर बैक विद IMEI नंबर ट्रैकिंग वीडियो पार्ट 2। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिस किसी ने भी अब तक IMEI नंबर ट्रैकिंग का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उनको पार्ट 2 देखने का कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर आप डायरेक्ट पार्ट 2 देख रहे हो तो पहले पार्ट 1 देखो, देन ये वीडियो देखना। आपको पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको आई बटन पर आ रहा होगा। सो गो एंड वॉच इट नाउ। एंड अगर आपने पार्ट 1 देख लिया है तो मोस्ट वेलकम इन पार्ट 2। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि IMEI नंबर क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या है, उसका फोन में यूजेस क्या होता है, एंड अगर आपका फोन चोरी हो गया है तब आप उसको कैसे ढूंढ सकते हो। और हम लोगों ने प्रैक्टिकल में भी देखा था कि कैसे आप फाइंड माई डिवाइस का यूज करके अपने फोन को फाइंड कर सकते हो। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि IMEI नंबर से पुलिस कोई भी फोन को कैसे ट्रैक कर लेता है, इसका प्रोसेस देखेंगे विद एग्जांपल्स, और कैसे आप अपने फोन को ब्लॉक कर सकते हो खुद से। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि क्या आपको अपना चोरी हो गया फोन का कंप्लेंट पुलिस में करना चाहिए या फिर नहीं, और क्या IMEI नंबर चेंज हो सकता है या नहीं, और क्या हम लोग IMEI नंबर से अपने फोन को ट्रेस कर सकते हैं या फिर नहीं, इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। आज की भी वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना बिना कोई पार्ट स्किप किए हुए। सो लेट स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या आपको अपने चोरी हो गया फोन का कंप्लेन पुलिस में करना चाहिए या नहीं। तो अगर आपका फोन ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है एंड आप कंफर्म हो गए हो कि आपका फोन चोरी हो गया है तो इस केस में आपको पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। अब क्यों करनी चाहिए, मैं आपको इसका कुछ रीजंस बताता हूँ। जस्ट सपोज गाइस कि आपका फोन चोरी हो गया है एंड अब वो आपको नहीं मिल रहा है, तो आपका फ्रेंड ने बोला कि भाई तो पुलिस में कंप्लेन कर दे, तो आपने बोला कि रहने दे भाई, फोन तो ऑलरेडी चोरी हो ही गया है और फोन को ढूंढने में इतना टाइम भी बर्बाद हो गया है, अब पुलिस में जाकर के कंप्लेन करने का टाइम नहीं है, एंड ऐसे भी कंप्लेन करने से कौन सा फोन मिल जाएगा। तो आपका फ्रेंड ने बोला कि हाँ भाई ये भी सही है, तो पुलिस में कंप्लेन मत कर, तो आपने कंप्लेन नहीं किया, बट आपने गलती यही किया। तो अब क्या होगा कि अगर वो चोर आपके फोन को लेकर के कुछ गलत काम करता है, लाइक बैंक रॉबरी करता है या फिर किसी को धमकी देता है या फिर कुछ इलीगल काम करता है, तब पुलिस को उसके पास से आपका फोन मिलता है, एंड अगर वो ये कहता है कि ये मेरा फोन पार्टनर का है, और पुलिस जब उस फोन को IMEI नंबर से ट्रैक करता है तब पुलिस को उसमें आपका डिटेल मिलता है, क्योंकि आपने इस फोन को अपने नाम पर निकाला था, तो पुलिस आपके ऊपर केस कर देगा एंड पुलिस आपके घर तक आ जाएगा, तब आप कोर्ट में कैसे प्रूफ करोगे कि आपका फोन चोरी हो गया था, क्योंकि कोर्ट बोलेगा कि अगर आपका फोन चोरी हो गया था तब आप FIR का कॉपी दिखाओ, तब आप क्या करोगे, बिकॉज कोर्ट तो प्रूफ मांगता है, बट आपने तो कोई पुलिस कंप्लेन किया ही नहीं, तब आप FIR कैसे दिखाओगे, तो इसमें आप फंस सकते हो। एंड कई बार ऐसा भी होता है कि कोई चोर एक ग्रुप में चोरी करता है एंड कभी पुलिस उस ग्रुप को पकड़ लेता है, पुलिस को उस ग्रुप से बहुत सारा फोन मिलता है जिसमें आपका भी फोन रहता है, तो अगर आपने कंप्लेन किया होगा तो पुलिस के पास आपका डिटेल होगा कि इस फोन का इस IMEI नंबर पे किस बंदे ने कंप्लेन किया था, तो वो लोग आपको फोन लौटा देगा। लेकिन अगर आपने कंप्लेन नहीं किया होगा तो पुलिस को कैसे पता चलेगा कि ये फोन किसका है। तो देखो, मेरा ओपिनियन ये है कि आपको अपने चोरी हो गया फोन का कंप्लेन पुलिस में करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, फोन मिले या ना मिले ये तो बात की बात है, लेकिन इससे आप कम से कम सेफ तो हो सकते हो ना, एंड आपके पास कम से कम प्रूफ तो होगा कि आपका फोन चोरी हो गया है, एंड होप भी रहेगा कि अगर आपका फोन पुलिस को मिलता है तो वो आप तक आ जाएगा। तो भाई मैं कहूंगा कि पुलिस कंप्लेन करना चाहिए, एंड अगर आपका फोन चोरी हुआ है तो तुरंत जाकर के पुलिस कंप्लेन लिखा दो। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि पुलिस किसी भी फोन को IMEI नंबर से कैसे ट्रेस कर लेता है। एंड आई नो गाइस कि इस क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं इस वीडियो पे, लेकिन इससे पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि IMEI नंबर का मेन काम क्या होता है। अब आपने अगर मेरा फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि IMEI नंबर का फुल फॉर्म क्या है एंड उसका यूजेस क्या होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है ना, तो देन प्लीज जाकर के पहले फर्स्ट पार्ट देखो, देन सेकंड पार्ट देखना। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि IMEI नंबर फोन को ट्रेस करने में मदद करता है, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया था कि IMEI नंबर का काम क्या होता है। तो देखो, आप जब भी कोई नया डिवाइस लेते हो जो इंटरनेट या नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकता है, तो उस डिवाइस में आपको एक IMEI नंबर प्रोवाइड किया जाता है। इसका काम क्या होता है कि आप जब भी अपने नए फोन में कोई सिम को लगाते हो तब आपका मोबाइल सिम कार्ड के थ्रू आपके नियरेस्ट नेटवर्क टावर में एक रिक्वेस्ट सेंड करता है कि मुझे नेटवर्क चाहिए, तब आपका जिस भी कंपनी का सिम होता है उसके टावर में एक रिक्वेस्ट आता है, फिर जो टावर है वो अपने सर्वर पर आपका रिक्वेस्ट एंड आपका डिटेल सेंड करता है। वो डिटेल में आपका सिम कार्ड का ICC ID नंबर होता है और आपका फोन नंबर होता है और आपका रिचार्ज प्लान का डिटेल भी एंड आपका IMEI नंबर भी होता है। तो ये सारा डिटेल सेंड होता है, फिर सर्वर ये सारा डिटेल को चेक करता है कि ये सिम कार्ड क्या उसी कंपनी का है एंड क्या इस नंबर पे रिचार्ज है, और IMEI नंबर को भी चेक करता है एंड ये सारा डिटेल सेव कर लेता है। फिर टावर को ये रिस्पॉन्स करता है
है कि सब ओके है, तुम इसको अप्रूवल दे दो। फिर क्या, फिर टावर आपका रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है एंड आपको नेटवर्क मिल जाता है। तो इस तरीके से IMEI नंबर का मदद से आपको नेटवर्क मिलता है। अब बात करते हैं कि भाई पुलिस कैसे ट्रैक करता है, बट इसको हम लोग कुछ एग्जांपल के साथ समझेंगे ताकि हमको जल्दी समझ में आ जाए। तो समझो कि एक जेड नाम का बंदा का फोन चोरी हो गया है एंड उसने पुलिस कंप्लेन कर दिया। अब पुलिस क्या करेगा कि सबसे पहले वो उसका IMEI नंबर लेकर के ISP को सेंड कर देगा। अब ISP पे कंफ्यूज मत हो जाना, ISP का मतलब है सिम कंपनीज, ओके। तो पुलिस ने सभी ISP को ये IMEI नंबर सेंड कर दिया और ये बोलेगा कि ये IMEI नंबर को ट्रैक करना है। तो इस IMEI नंबर से कुछ भी रिक्वेस्ट आता है तो इसका लोकेशन ट्रैक करके हमें बताना। अब ISP कंपनीज इस IMEI नंबर को अपने सर्वर पर सेव कर देता है एंड सर्वर को ये बता देता है कि अगर इस IMEI नंबर से कुछ रिक्वेस्ट आता है तब तुमको उसका लोकेशन सेव करके बताना है। तो जैसे ही कोई उस फोन में अपना सिम इंसर्ट करेगा तब उसका रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगा विद डिटेल्स एंड उस डिटेल्स में उसका IMEI नंबर भी होगा। फिर जैसे ही सर्वर तक ये डिटेल आएगा तब सर्वर आपका लोकेशन सेव कर लेगा एंड आपका रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने का मैसेज टावर को सेंड कर देगा। अब ISP पुलिस को बता देगा कि इस लोकेशन पे इस IMEI नंबर से रिक्वेस्ट आया था। तब पुलिस चोर का एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए ट्रायंगुलेशन मेथड का यूज करेगा, बिकॉज टावर तो सिर्फ अपना लोकेशन सेंड करेगा कि मुझसे कनेक्ट होने का कोशिश किया गया है। इसीलिए पुलिस को एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए ट्रायंगुलेशन मेथड का मदद लेना होगा। अब ट्रायंगुलेशन मेथड में 3 या 3 से ज्यादा टावर का यूज किया जाता है आपका एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने इस जगह पर अपने फोन में सिम इंसर्ट किया तब आपका फोन नियरेस्ट टावर से कनेक्ट होगा, लेकिन नियरेस्ट टावर 20 मीटर के डिस्टेंस पे है। अब प्रॉब्लम इसमें है ट्रैक करने के लिए, क्यों मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब आपका फोन नियरेस्ट टावर से कनेक्ट होगा तब टावर को ये पता चलेगा कि ये IMEI नंबर मुझसे 20 मीटर के डिस्टेंस पे है, लेकिन किस डायरेक्शन में ये नहीं पता होगा। तब पुलिस को कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा डायरेक्शन में है, ईस्ट में है या फिर वेस्ट में है या फिर नॉर्थ या साउथ में है, बिकॉज 20 मीटर डिस्टेंस तो सब तरफ होगा ना। पुलिस को सिर्फ ये पता है कि ये टावर से 20 मीटर के डिस्टेंस पे है, लेकिन एग्जैक्ट कहां वो पुलिस को नहीं पता। तो पुलिस को इसका एग्जैक्ट लोकेशन पता करने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर आगे वाला क्रिमिनल हुआ तो वो ज्यादा देर रुकेगा नहीं। तो पुलिस के पास बहुत कम समय होगा उसको पकड़ने के लिए। तो इस केस में पुलिस इस्तेमाल करता है ट्रायंगुलेशन मेथड का। ट्रायंगुलेशन मेथड में क्या होता है कि अगर फोन इस जगह है तो वो नियरेस्ट टावर के साथ कनेक्ट होगा, तो हमारे पास एक टावर से डिटेल आ जाएगा, लेकिन ये डिटेल काफी नहीं होगा उसका एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए। तो पुलिस और भी टावर का हेल्प लेगा। फॉर एग्जांपल, ये फोन इस पॉइंट पे है तब ये टावर 1 से कनेक्ट होगा, तब इसका डिटेल मिल जाएगा। अब पुलिस और भी टावर का हेल्प लेगा, जैसे कि टावर 2 इस जगह पे है तो पुलिस टावर 2 से भी डिटेल लेगा कि उसका डिस्टेंस कितना है टावर 2 से। अब फिर पुलिस एक और टावर से डिटेल लेगा, यानी कि टावर 3। अब टावर 1 यहां पे है, टावर 2 इस जगह पर है और टावर 3 इस जगह पर है। तब एक सर्कल बनेगा एंड तीनों टावर का डिटेल में एक कॉमन पॉइंट मिलेगा, मतलब ये उसका एग्जैक्ट लोकेशन होगा। तो इस तरह पुलिस एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाता है। तो मैंने अभी आपको 3 टावर का एग्जांपल दिया, हो सकता है कि पुलिस इससे भी ज्यादा टावर का इस्तेमाल करता होगा। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि क्या अगर फोन स्विच ऑफ हो या उसमें कोई सिम लगा हुआ नहीं हुआ तो क्या उसका लोकेशन ट्रैक किया जा सकता है। तो भाई इसका आंसर है, नहीं किया जा सकता। इसलिए क्योंकि अगर सिम कार्ड मोबाइल में होगा ही नहीं तो मैंने आपको जो सारी प्रोसेस बताया वो होगा ही नहीं। अगर वो होगा ही नहीं तो लोकेशन कैसे पता चलेगा। तो IMEI नंबर से ट्रैक करने के लिए ट्रायंगुलेशन प्रोसेस होना जरूरी है और इस प्रोसेस करने के लिए सिम कार्ड और फोन का एक्टिव होना जरूरी है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। जिसका भी आंसर सही होगा उन सभी लोगों को मैं लाइक और हार्ट दूंगा। तो क्वेश्चन है कि अगर कोई चोर इस जगह पे चोरी वाला फोन में सिम को इंसर्ट करता है एंड फोन को एक्टिव करके किसी से बात करता है, फिर वो चोर इस फोन को स्विच ऑफ कर देता है और उस जगह से चला जाता है, तो आप मुझे ये बताओ कि पुलिस उसका लास्ट लोकेशन पता चलेगा कि लेटेस्ट लोकेशन वो अभी कहाँ है वो पता चलेगा। अपना आंसर कमेंट करो। अब बात करते हैं कि क्या आप अपने फोन को IMEI नंबर से ट्रेस कर सकते हो या फिर नहीं। तो अब मैं जो बोलूंगा वो सही बोलूंगा और 100% रियल बोलूंगा, मैं कोई फेक बात नहीं बोलूंगा। देखो गाइस, आप अपने फोन को IMEI नंबर से ट्रैक नहीं कर सकते हो, वो इसलिए कि क्या आपको लगता है कि मैंने आपको जो थोड़ा देर पहले प्रोसेस बताया है वो आप कर सकते हो। अगर आप वो सारी प्रोसेस कर सकते हो तो आप भी IMEI नंबर से अपने फोन को ट्रैक कर सकते हो। अगर ये सारी प्रोसेस आपके लिए पॉसिबल है तो आप कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है किसी के लिए भी। और शायद एक ये भी वजह है कि पुलिस 8-10 हजार फोन के लिए इतना मेहनत करना नहीं चाहता। अब ऑब्वियसली गाइस कि ये प्रोसेस करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत, टाइम और पैसा लगता है, इसलिए इस प्रोसेस को पुलिस नहीं करता, क्योंकि उनके पास और भी बहुत बड़ी बड़ी केस होती है, तो उन सारी केसेस को छोड़ के आपके फोन के लिए नहीं जाएगा। अब देखो, आप जो जानने के लिए इस वीडियो में आए थे मैंने आपको बता दिया। अब आई नो कि बहुत लोगों को मैं उस पे गुस्सा आया होगा कि भाई एक बात को बताने के लिए इतना बड़ा वीडियो और मेरा टाइम इतना बर्बाद क्यों किया। तो इसका जवाब है कि मैं नहीं चाहता कि आपके पास सिर्फ आधा नॉलेज हो एंड इन फ्यूचर आपको फिर कोई वीडियो देखने का जरूरत पड़े। और मैंने ये भी देखा कि आपको पूरा इंटरनेट पर इसके रिलेटेड पूरा इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं दे रहा है, दैट्स व्हाई मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दिया। अब आपको एक और क्वेश्चन का आंसर देना बाकी है कि क्या IMEI नंबर को चेंज किया जा
जा सकता है? तो इसका आंसर है कि किया जा सकता है, लेकिन वो फोन रूट होना जरूरी है और IMEI नंबर चेंज करने के लिए एक्सपर्ट होना भी जरूरी है, तभी आप कर पाओगे, वरना आप नहीं कर पाओगे। एंड इसको करने के लिए आपको एक नया IMEI नंबर का जरूरत पड़ेगा जो आपको नहीं मिल सकता। ओके, लास्ट टॉपिक पे अब हम लोग बात करते हैं कि हम अपने फोन को ब्लॉक और अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं खुद से ऑफिशियली। तो इसको करने के लिए आपको गूगल पे आ जाना होगा एंड सर्च करना होगा CEIR। जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपको फर्स्ट वेबसाइट दिखेगा www.ceir.gov.in। आपको उसी वेबसाइट पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपको तीन ऑप्शन दिखेगा। पहला, ब्लॉक स्टोलन लॉस्ट मोबाइल, सेकंड वन अनब्लॉक फाउंड मोबाइल, तीसरा चेक रिक्वेस्ट स्टेटस। अगर आपको अपने चोरी हो गया फोन को ब्लॉक करना है तो उसके लिए आपको ब्लॉक स्टोलन एंड लॉस्ट मोबाइल वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड आपको सारा डिटेल भरना होगा। डिटेल में आपको अपना फोन नंबर, IMEI नंबर, डिवाइस मॉडल और ब्रांड, और आपको अपना फोन का परचेज बिल का फोटो भी देना होगा। फिर आपको बताना होगा कि आपका फोन कहाँ चोरी हुआ है, कौन सा डेट में हुआ है, और साथ में आपको पुलिस कंप्लेंट नंबर भी देना होगा, मतलब FIR नंबर भी देना होगा। तो आपको अपने फोन को ब्लॉक करने के लिए पुलिस कंप्लेंट करना जरूरी है, तभी आप ब्लॉक कर सकते हो। फिर आपको ईमेल आईडी एंड OTP एंटर करना है, बस आपका काम हो गया। अब थोड़ा देर में आपको आपका रिक्वेस्ट आईडी भी मिल जाएगा, जिसे अगर आपको इन फ्यूचर आपका फोन मिल जाता है तो आप अपने फोन को अनब्लॉक भी कर सकते हो। अनब्लॉक करने के लिए आपको फिर से CEIR वेबसाइट पर जाना होगा एंड आपको नंबर 2 वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, अनब्लॉक फाउंड मोबाइल। उसमें आपको अपना रिक्वेस्ट आईडी, फोन नंबर एंड आपको रीजन बताना होगा कि क्यों आप अनब्लॉक करवाना चाह रहे हो। फिर आपको OTP सबमिट कर देना है, आपका काम हो गया। एंड अगर आप अपने रिक्वेस्ट आईडी को ट्रैक करना चाहते हो तो उसके लिए आपको नंबर 3 वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, चेक रिक्वेस्ट स्टेटस। उसमें बस आपको अपने रिक्वेस्ट आईडी डाल करके सबमिट करना है। तो आई होप गाइस कि आपको ये टॉपिक का दोनों पार्ट पसंद आया होगा एंड आई नो गाइस कि वीडियो बहुत लेट आ रही है बिकॉज कुछ प्रॉब्लम आ गया था, बट अब कोशिश करेंगे कि वीडियो रेगुलर अपलोड करूं। एंड अगर आप चाहते हो कि हम इसी तरीके से वीडियो बनाए एंड इसी तरीके से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताए, देन प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो एंड भाई शेयर तो करना ही। जल्द से जल्द हम लोगों को 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है। तो गाइस मिलते हैं कोई नई वीडियो में कोई नई टॉपिक के साथ, जब तक ले गाइस बाय बाय।